नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनाया फरमान। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों पर लगी पाबंदी। 2 सप्ताह के लिए नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी। जल्द ही पर्यटन नीति बनाने के निर्देश। पर्यटन विभाग को लगा बड़ा झटका। 17 साल से नहीं बन पाई पर्यटन नीति। प्रदेश में साहसिक और जल खेलों पर रोक लगाने से सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि राज्य बने हुए 17 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक राज्य की पर्यटन नीति नहीं बन पाई है। जबकि सरकार में बैठे हुए लोगों को भी मालूम है कि राज्य की एकमात्र आय का साधन पर्यटन है, और अगर इन्हीं वाटर स्पोर्ट पर पाबंदी लग जाएगी तो पर्यटक उत्तराखंड का रुख ही नहीं करेंगे, तो राज्य की आय कैसे बढ़ेगी। आपको बताते चलें कि ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में अकेले राफ्टिंग से सालाना 100 करोड़ की आय पर्यटन व्यवसायों से होती है। ये नुकसान तो हो ही रहा है, बिल्कुल पीक सीजन में जिस समय चरम पे चल रही थी रिवर राफ्टिंग, अचानक से ऐसे आना बड़ा गलत मैसेज गया है, और लगभग मेरी समझ से 10 से 15 करोड़ रुपए का ओवरऑल नुकसान होने की इससे संभावना लग रही है, क्योंकि कल से शायद राफ्टिंग रिवर राफ्टिंग ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे जिस तरह से खबरें आ रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और तर्क दिया था कि गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने से गंगा में प्रदूषण हो रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वाटर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में साहसिक खेलों से जुड़े हुए व्यापारियों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और सरकार जल्द ही इसके लिए प्रयास करेगी। ने जो भी रोक लगाई है उसका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन मैं अपने उन व्यवसायियों को जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार इसके लिए निश्चित रूप से विचार करेगी और उनका अनहित। इन सब के बावजूद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार रोक लगा दी गई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और राज्य की पर्यटन नीति कब तक बनकर तैयार होती है। देहरादून से नेशनल वॉइस के लिए राजन मिश्रा की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में राफ्टिंग यूनियन कर्मचारियों ने राफ्टिंग ऑफिस के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी भी दिखाई। मामले में याचिकाकर्ता हरिओम कश्यप के खिलाफ भी कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिला। यूनियन और राफ्टिंग अधिकारियों ने इसकी सतपाल महाराज और मुख्यमंत्री से मामले में दखल देने की मांग की है। राफ्टिंग यूनियन कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचेगा और उनके परिवार को भूखे रहने पर विवश होना पड़ेगा।